नमस्कार दोस्तों, बी टाउन हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुल्तान 2 मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारा वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान सर अपने फैंस के लिए बैक टू बैक कई ब्लॉकबस्टर मूवी लेकर आ रहे हैं, जिनमें से उनकी इस ईद के त्यौहार पर 2021 में एक राधे और मोस्ट वांटेड बाय मूवी रिलीज होने वाली थी, पर ये अब अगले साल 2022 में ईद के त्यौहार पर रिलीज होने वाली है। इसके अलावा उनकी जो मूवी आने वाली है वो है टाइगर जिंदा 3 मूवी, जो अपने टाइगर फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त है और इसकी शूटिंग फिलहाल दुबई में चल रही है और इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं मनीष शर्मा। और इस मूवी की स्टार कास्ट की बात की जाए तो इसमें हमें सलमान खान सर के साथ कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी नजर आने वाले हैं और इमरान हाशमी इस मूवी में विलन का रोल करते हुए नजर आने वाले हैं। और इसके अलावा सलमान खान सर जो मूवी लेकर आ रहे हैं वो है सुल्तान 2 मूवी, जो 2016 में आई सुल्तान मूवी का सेकंड पार्ट है। ये मूवी 6 जुलाई को रिलीज हुई थी और इस मूवी को डायरेक्ट किया था अली अब्बास जफर ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया था आदित्य चोपड़ा ने यशराज फिल्म्स के बैनर तले। स्टार कास्ट की बात की जाए तो इसमें हमें सलमान खान सर के साथ अनुष्का शर्मा और रणदीप हुड्डा देखने को मिली थी। इस मूवी में अनुष्का शर्मा ने उनकी वाइफ आरफा अली खान का किरदार निभाया था, वहीं सलमान खान सर ने सुल्तान अली खान का किरदार निभाया था। और ये मूवी एक स्पॉट ड्रामा फिल्म थी जो कुश्ती पर बेस्ड थी और इस मूवी 145 करोड़ के बजट पर बनाया था और ये मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 345 करोड़ से ऊपर की कमाई करके ब्लॉकबस्टर रही थी और ये मूवी 2016 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी बनी थी। अब ऐसी ही ब्लॉकबस्टर मूवी का दूसरा सीक्वल मेकर्स अली अब्बास जफर बनाने जा रहे हैं और फिलहाल वो अपनी स्टोरी पर काम कर रहे हैं, फिर वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट इनकी करने वाले हैं। साथ में इस मूवी को प्रोड्यूस करेंगे आदित्य चोपड़ा यशराज फिल्म्स के बैनर तले। स्टार कास्ट की बात की जाए तो इस बार सलमान खान सर के साथ अनुष्का शर्मा की जगह पे हमें दीपिका पादुकोण देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी में रणदीप हुड्डा भी नजर आने वाले हैं और ये मूवी स्पॉट ड्रामा फिल्म रहेगी सेम पहले पार्ट की तरह ही। और इस मूवी को इस बार 200 करोड़ के बजट पर बनाया जाएगा और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ से ऊपर की कमाई कर सकती है ऐसा अंदाजा लगाया गया है। इस मूवी में हमें एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों आप सलमान खान सर की राधे और मोस्ट वांटेड बाय मूवी, टाइगर 3 मूवी और सुल्तान 2 मूवी, ये तीनों में से कौन से देखना पसंद करेंगे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए और इस चैनल को अपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दे।